आज कुछ मीठा हो जाए। कल छोले भटूरे के साथ आपकी पार्टी हुई थी, सो आज हम लेकर आए हैं नारियल बर्फी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुड़िया। cookingexam.in पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टेस्टी झटपट बन जाने वाली नारियल की बर्फी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देर किस बात की, चलिए फिर बनाना शुरू करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, और इस मिल्क पाउडर को हम ठंडे नॉर्मल दूध से घोल लेंगे, इस तरीके से मिक्स करके। यदि आप बात करिए दूध की, तो दूध ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, नॉर्मल दूध है और बहुत ही आसानी से इस तरीके से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो प्योर दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर से बनाया है। जल्दी हो जाता है, झटपट बन जाता है। और इस तरीके से इसको घोल कर मैंने रेडी कर लिया है। और थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी और हम बढ़ा लेते हैं, मैंने पूरा फुल कर दिया है। और इधर हमने ली है थोड़ी सी कढ़ाई, तो कढ़ाई जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। और फिर इसको हम इस तरीके से 2 कप मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का बुरादा। यदि आप बात करिए नारियल के बुरादे की, तो यहाँ पर मैंने बनाया है नारियल के बुरादे से, लेकिन इसे आप बना सकते हैं सूखे नारियल से भी और पानी वाले नारियल से भी, दोनों को कद्दूकस करके। इसको 5 मिनट इस वजह से भूनते हैं जिससे कि इसकी जो रखने से महक आ जाती है वो चली जाए। और जैसे ही 5 मिनट हम इसको भून लेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप बात करिए इस 1 कप चीनी की, तो ये इतनी ही मिठास देगी जितने में कि ना बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत ही कम। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम मीठा खाने वाले हैं तो घटाइएगा नहीं, परफेक्ट है ये। और इस तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम फिर से यहाँ पर घोल डालते हैं इसका। ये जो हमने मिल्क पाउडर का घोल बनाया था दूध के साथ में, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं मिल्क पाउडर की, यदि आप थोड़े से मावे टेस्ट में पसंद करते हो तो। अगर आप मावे टेस्ट में पसंद करते हो तो मिल्क पाउडर का जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा लीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला दूध, लगभग आधा कप, इसको ज़रूर डालिएगा। और इसको डालकर इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको थोड़ा सा भुनने का समय दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर दूध को गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बस ऐसे ही डाल दीजिए, या मावे का या मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए। और इस तरीके से लगभग हमको 5 से 10 मिनट इसको इस तरीके से आपको भूनना है, लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि ये नीचे से जले नहीं, इसका कलर वाइटिश बना रहे। तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर किया हुआ है 5 से 10 मिनट, और इस तरीके से इसको भून कर हमको सेट कर लेना है। और अगर आप बात करिए यहीं पर नारियल के लड्डू की, देखिए ये जो तलवा छोड़ने लगा है, यानी ये लगभग बन चुका है, ये रेडी हो चुका है। जैसे ही आपका जो तलवा छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि वो जमने की कंसिस्टेंसी में जा चुका है। तो इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा मिठाई का डब्बा है, मिठाई के डब्बे में मैंने लगा दिया एल्युमिनियम फॉइल और तैयार कर दिया बिल्कुल एक ट्रे की तरह। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ये सूखा नारियल। और यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से निकाल कर रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स डिपेंड करता है आप पर, लेकिन अगर हम बात करें नारियल की, तो नारियल अपने आप में ही एक पूरा टेस्ट देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ना इलायची पाउडर, ना केवड़ा, कुछ भी नहीं। इसको आप इस तरीके से सिंपल बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जमाने की कंसिस्टेंसी में इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है, और इसको 10 से 15 मिनट तक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे इसी तरीके से बाहर ही रूम टेम्परेचर पे। और ये जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे तो इसको हम फिर आपको कट करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा थाली की हेल्प लेंगे और इसको हम पलट करके करेंगे। जो उल्टा साइड है वो ऊपर आएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाता है, शेप में भी कोई गड़बड़ी नहीं आती। और यहाँ पर ये देखिए कितने टेस्टी नारियल के जो हमारे बर्फी थे वो बन चुके हैं। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप बात करिए नारियल के बर्फी के टेक्सचर की, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब टूटने की कंसिस्टेंसी में नहीं होगा। अगर आपने बेसन की बर्फियाँ बनाई होंगी, तो जो बेसन की बर्फी बनती है वो टूटने की कंसिस्टेंसी में होती है। जो और भी मिठाइयाँ होती है, जो नॉर्मल मिठाई होती है, वो भी टूटने की कंसिस्टेंसी में होती है। लेकिन अगर नारियल की मिठाई की बात करिए, नारियल की बर्फी की बात करिए, तो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे नारियल के बर्फी बन चुके हैं। तो
अब इनको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर रखा है थिकनेस, ये आप थिकनेस अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, मैंने इतना बड़ा दिया है। आप यहाँ पर शेप अपना चेंज कर सकते हैं, ओवल रेक्टेंगुलर जैसा भी चाहें। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सबको सजा दिया है। अगर आपके पास ये ऑरेंज फूड कलर है, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं तो आप रूह अफ़ज़ा की हेल्प ले लीजिए, नहीं तो आप यहीं पर हल्दी की हेल्प ले लीजिए, जिसकी भी हेल्प लें लेकिन डेकोरेट ज़रूर करिएगा। और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं थोड़ा सा किशमिश, इस तरीके से रख दीजिए। जब आप डेकोरेट करके किसी के सामने ले जाएंगे तो आई एम श्योर उसकी भूख तो डबल हो जाती है, तो इस वजह से डेकोरेट करके हमने आपको बता दिया है। और ये देखिए आई थिंक आपकी भी भूख डबल हो गई और आप जा रहे हैं बनाने, लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए, देख तो लीजिए पूरा पूरा। और यहाँ पर ये देखिए ये हमने आपके लिए सजाए हैं, तो एक बार बना कर खा कर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नारियल के लड्डू भी अपलोड किए थे, जिसमें मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है। यदि आपको मिल्क पाउडर ना यूज़ करना हो तो आप नारियल के लड्डू को ज़रूर से देखिए, आप नारियल के लड्डू को भी पसंद करेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी लाइक जलेबी, गोंद के लड्डू और रसगुल्ले की वैरायटीज़ भी हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा। साथ ही से आप इन सारी रेसिपीज़ को आप हमारे वेबसाइट cookingexam.in पर अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो बनाइएगा, खाइएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। थैंक यू।